हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। ये देखिए, जैसे भी 3DX मशीन है, इसका जो स्पिंडल है ये पूरा ख़राब हो चुका था। इसके थ्रेड भी पूरे ख़राब हो चुके थे और इसमें ग्वाला पड़ चुका था, बॉडी में भी ये पूरा ख़राब हो चुका था। तो ये देखिए, हम दोनों ही स्पिंडल इसके नए डाल रहे हैं क्योंकि दोनों साइड के ख़राब हो चुके थे। तो ये देखिए, ये इसमें ये नीचे जो ऑयल सील बैठती है वहाँ पर ये पतरा बैठता है, ये इसको पहले बिठा लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से इसको ठोक के बिठा लेना है। ये देखिए, स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रॉपर अच्छे से ठोक के पूरा चिपका लेंगे नीचे, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ग्रीस सील बैठेंगी। ये देखिए, इस तरह से ये पतरा आता है और जो प्लेन वाला भाग है ये नीचे की साइड बैठता है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको बिठाना है। ये देखिए, दोनों को भी हम अच्छे से बिठा लेंगे। ये देखिए, उसके बाद बिठाना है हमारी सील, ये जो ग्रीस सील है इसको दबा के बिठा लेना है। ये इस तरह से ये जो पतरा बैठता है उसमें ये बैठ जाती है अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से हाथों से दबा के इसको बिठा लेना है। उसके बाद बैठेंगी हमारी बड़ी वाली बेरिंग। ये बड़ी वाली बेरिंग को इस तरह से बिठा लेना है। इसको ठोक के, ये देखिए बूश रखा है हमने, उसके माप का बूश रख के ऊपर से इसको ठोक के बिठा देना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से ठोक के इसको पूरा चिपका देना है ठोक के। ये देखिए, ये पूरा चिपक चुका है अभी। उसके बाद हम ये कोन बदल लेंगे। ये देखिए, ये कोन को भी इसमें ठोक लेंगे हम हब के अंदर। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से प्रॉपर बिठा लेना है उसकी जगह में ठोक के। अभी हम इसको फिट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कैन पिन को ग्रीस लगा लेना है। ये पिन भी हम नया डाल रहे हैं, पुराना पिन ख़राब हो चुका था इसमें, और इसके बूश भी हमने नए डाले हैं। तो ये बूश में भी ग्रीस लगा लेना है, इधर पिन कैन पिन को भी ग्रीस लगा लेना है। ग्रीस लगा के इसको, ये देखिए, इस तरह से पकड़ के रखना है और इसको, ये देखिए, ये इसमें ये बेरिंग आती है ठस बेरिंग नीचे। ये देखिए, इस तरह से इसमें भी ग्रीस लगा लेना है। ये नीचे की साइड आती है ये बेरिंग, ऊपर हमें वाइसर लगा लेना है। ये देखिए, इसमें प्ले रहे ज़्यादा तो हमने ऊपर भी एक वाइसर डाल लिया है। इसमें एक वाइसर का प्ले था, बेरिंग लगाने के बाद भी चेक किया था हमने, तो एक वाइसर हमने ऊपर लगाया है। और अभी जो हमारी बेरिंग है इसको नीचे बिठा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी जो टच बेरिंग है इसको नीचे बिठा लेंगे। और अभी पिन को हम ठोक के इसमें बिठा लेंगे। इसका जो क्वार्टर पिन का होल है, वो क्वार्टर पिन का होल सही से रखना है, क्वार्टर पिन का होल मैच करके फिर इसको ठोकते जाए, ठोक के अच्छे से होल मैच करके बिठा लेना है। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, क्वार्टर पिन का जो हमारा होल है उसको देख के उसके, ये देखिए, ये वाली क्वार्टर पिन है उसका होल, ये देखिए यहाँ पे इसका होल आता है, उसके हिसाब से जो चिपट वाला मुंह आता है वो पिन की तरफ आना चाहिए। इस तरह से इसको, ये देखिए, इस तरह से अच्छे से देख के डालना है और फिर इसको ठोक के बिठा देना है। ये देखिए, इस तरह से हथौड़ी से इसको अच्छे से ठोक सकते हैं, इसको ठोक के बिठा देना है। हमारी कैन पिन इसमें लॉक हो जाएंगी और उसके बाद ये देखिए, आगे से नट लगा के इसको टाइट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से टाइट कर लेना है। अभी हम बिठा लेंगे इसका सील। ये सील को इस तरह से दबा के बिठा सकते हैं। ये देखिए, दबा के हमने अंदर बिठाया, अभी इसको थोड़ा ठोक लेंगे। ये देखिए, इसके माप का बूश लेके इसको ठोक लेना है। इस तरह से ठोक के फिर इसको ऊपर एक वाइसर लगा के हम इसका लॉक लगा लेंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इस तरह से इसका लॉक लगा लेना है। ये लॉक हमारा बैठ चुका है प्रॉपर। इसी तरह से नीचे का भी ये वाइसर रख के, सिम्स रख के इसको लॉक बिठा लेना है। ये देखिए, ये भी लॉक हमारा बैठ चुका है। अभी हम ये रॉड का भी बूश बदल लेंगे। ये देखिए, रॉड का बूश भी इस तरह से हम ठोक लेंगे। पुराना हमने निकाल लिया था, ये नया इसमें ठोक लेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर हम इसको, ये देखिए, इसकी ये छोटी वाली पिन आती है, इसको ग्रीस लगा लिया है हमने। ग्रीस लगा के इसको ठोक लेना है ये पिन को। और उसमें भी क्वार्टर पिन आती है, एक अपना एलंकी वाला बोल्ट बैठता है। ये देखिए, ये एलंकी वाला बोल्ट बैठता है इसमें, उसका होल मैच करके ये एलंकी बोल्ट टाइट कर लेना है। और उसके ऊपर चेकनट भी आती है, वो एलंकी बोल्ट पहले टाइट करने के बाद उसको चेकनट लगा के टाइट कर लेना है। अभी हम ये इसमें पहले ग्रीस भर लेंगे पूरा, और उसके बाद हमारा इसमें हब लगा के, चेकनट लगा के, बेरिंग लगा के टाइट कर लेंगे। ये देखिए, हब में भी थोड़ा ग्रीस भर लेना है।
और उसके बाद ये देखिए इस तरह से ये हब को डाल देना है और पकड़ के रखना है, और फिर उसमें जितना बैठेगा उतना ग्रीस भर लेना है पहले हाथों से ही। और अभी ये छोटी वाली बेरिंग है हमारी, ये छोटी वाली बेरिंग लगा के दबा देना है अंदर, और उसके बाद ये चेक नट लगा के इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये चेक नट लगा लेना है और चेक नट लगा के अभी इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए इसको 46 की गोटी बैठ जाती है, 46 की गोटी से इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको टाइट कर लेना है, और टाइट होने के बाद इसको इस तरह से घुमा के देख लेना है, ये हाथों से घूमना चाहिए, पूरा पैक नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा पैक भी हो जाएगा तो ये बेरिंग फोड़ सकता है, इस तरह से घूमना चाहिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इसको इसको दबा के लॉक करने वाला सिस्टम है, ये नया मॉडल है, 2015 का मॉडल है, तो इसको दबा के लॉक करने का ही सिस्टम है, तो इस तरह से दबा के इसको लॉक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको दबा के लॉक कर देना है, उसके बाद इसमें जितना ग्रीस बैठेगा उतना भर के ये कैप लगा देनी है, और ये बोल्ट लगा के इसको टाइट कर लेना है अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।